अब आज हमारा कोचिंग तो लास्ट ही था क्योंकि आसाम को निकल जाएंगे कानपुर, अब इसीलिए पढ़ा के चल रहे हैं घर पे और तैयारी कर रहे हैं निकलने का। शाम को ट्रेन है 7:30 बजे, तो विचार ये बन रहा है कि मैं चलता हूँ ददरी मेला। बस पहुँचने वाले हैं मेले में भैया, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी तो भैया मुझे लग रहा है कि ये झूले हैं शायद, ये सब झूले हैं, झूले आने लगे हैं। 27 तारीख को स्टार्ट हो रहा है तो ये सब झूले कुछ कुछ आ रहे हैं। अभी ये लोग हमें लग रहा है कि 1-2 दिन में कस देंगे, ये सब ट्रक आके यहाँ पे खड़ी है। अभी एक और देखो ट्रक उधर से आ ही रहा है, श्री राम टेंट हाउस लिखा है उस पर। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आगे क्या तैयारियाँ हो रही हैं। अभी इसी लंबाई में आगे बढ़ रहे हैं, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि भूमि का आवंटन भी शायद हो गया है सभी लोगों को। अभी तो ऐसे देख के आपको नहीं लग रहा होगा, ये देखो जमीन का ये लाइन खींचा गया है, हमें लग रहा है कि जैसे कि जो टेंट लगेंगे उसको एक लाइन में, देखो इधर जो लाइन खींचा गया इधर भी, तो बीच का गैप जो है इस बार बहुत ज़्यादा रखा गया है। और सामने आपको दिख रहा होगा चरखी, बिल्कुल अलग दिख रहा है, मतलब जैसे कि जो मेले का नक्शा है उसके अनुसार सब चरखी चाहे दुकानें चाहे झूले सब सिस्टमेटिक ढंग से लगाए जा रहे हैं इस बार। और ये देख सकते हैं सब इधर सब झूले लग ही रहे हैं, अभी और आगे तक भी अभी और दिख रहा है हमको, बाकी इधर भी सब चीज़ें उतर रही हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि उधर की साइड में और अभी चौड़ाई है, मुझे ऐसा लगता है। उधर आपको दिखाई दिए हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब चूंकि आज मुझे निकल जाना था तो जो 27 को स्टार्ट हो रहा है चाहे कार्तिक पूर्णिमा उस समय हम तो रहेंगे नहीं, इस वजह से सोचे कि चलो आप लोगों को एक बार थोड़ा सा ददरी मेला घुमा देते हैं। बाकी इधर देख लो और सारे झूले सब लग ही गए हैं, ज़्यादातर लग गए हैं झूले सब तैयारी हैं। इधर भी साइड देख सकते हैं सब काम हो ही रहा है और इधर भी सब हो ही रहा है। इस बार के भैया ददरी मेला ऐतिहासिक होने वाला है, ये देखो कैसा इंजन टाइप का बना है, यहाँ लग रहा है बहुत बड़ा विशाल मंच और इस पर लिखा है मुख्यमंत्री कार्य हेतु। मुझे लग रहा है कि शायद भूमि पूजन होने वाला है 1-2 दिन में, उसी के लिए 25 को शायद भूमि पूजन है, उसी के लिए मंच लगाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई मंत्री जी आ रहे हैं ना इस भूमि पूजन में। चलो अब चलते हैं, यही मेले का अपडेट था आप लोग देखें, और हमने आपको इसीलिए दिखाया कि आसाम का मेरी ट्रेन है और निकल जाऊंगा तो फिर मैं आऊंगा, आप 10 दिन बाद ही आऊंगा ना। चल चलते हैं घर पे। आजकल नाश्ता की दुकानों में बहुत भीड़ लग रही है भैया, हम सोचे कि कुछ नाश्ता कर ले लेकिन भीड़ देख के नहीं किए। क्या सरांस आचा रुको एक सेकंड सुभी सुभी टाटा बोलो टाटा। अभी मगन बड़े अपने खेल में, अच्छा ये कैसा रथ निकला है भाई साहब। कलश यात्रा है, कलश यात्रा। सुभी सुभी आज ट्रेन में जाना है, ट्रेन में चरान सर ट्रेन में जाना है।
हम लोग कानपुर जा रहे हैं, कानपुर। हंसो सुभी, हंसो जोर से, हंसो, मजा आएगा बाबू। अरे भाई, अरे क्या पहन लियो सुभी जाने के लिए? अब अरे बाबू भी पहन लिया है? अच्छा चलो, तेरे नाम जरिए बात खोला ही का पड़ी। कुछ रखना है इसमें? 1 2 3 4 5, पांच गो। चलो भाई, अब हम लोग भी निकल रहे हैं क्या? अब 10-12 दिन के लिए भाई बलिया से अब हम विदा लेते हैं, चलते हैं कानपुर। पहुंच गए भैया हम लोग स्टेशन पे, अब आधा घंटा बाद अभी ट्रेन है यहाँ पे, लेकिन चलो समय से पहुंच गए हम लोग। ए चुभी, गाड़ी ट्रेन गाड़ी। ए कहाँ टहल रही हो? देखा स्टेशन पर टहला तारी, कहाँ टहल रही हो? ए सुभी, मस्ती बा इनका। चलो ट्रेन भी आने लगी, स्टेशन में भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर वाली भीड़ है भैया। तो सही से बैठ जाए हम लोग, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है, इस वजह से दिक्कत है। सभी बच्चा पार्टी इसी पर रहो, जितने बच्चे पार्टी सब इसी पर रहो, तुम भी सुबह इसी पर रहो, उतरना मत, ठीक है? खा लो, रात भर निकल ना। खाना खा लो, खाना खा लो। क्या खा रहे हो सुबह? और देखता है इनका। सो जाओ जी, तू सोगी नहीं, ये रात भर जलाती रहोगी, बंद करती रहोगी उसको, हैं? चलो सो जाओ। अभी तो भैया ये रात भर ऐसे ही परेशान करेंगे।